कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 4 मई को आयोजित होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा कर्मियों ने कुल्लू में अपना कड़ा पहरा लगा दिया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। रैली में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस पदाधिकारी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदान को करीब एक सप्ताह शेष बचा है, इसीलिए अब हिमाचल की जमीन पर स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो गया है। पहले भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, फिर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी हिमाचल का रुख कर लिया है। सोनिया गांधी चुनाव प्रचार के लिए 4 मई को कुल्लू आ रही हैं। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं और बूथ लेवल पर बैठक कर रैली को सफल बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी की इस रैली को लेकर दावा कर रही है कि यह अब तक की सबसे बड़ी रैली साबित होगी। गांव-गांव में जो हम गए हैं और हर बूथ लेवल पे हमने जो वर्करों से मिले हैं, बहुत भारी उत्साह है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सफल जनसभा यहाँ पे होने वाली है। खास तौर पे इसलिए क्योंकि हिमाचल में जो सरकार है पिछले 1 सालों में बहुत अच्छे काम हुए हैं और उसके साथ में जो नेहरू गांधी परिवार का जो इस हिमाचल के साथ और ख़ासतौर पर कुल्लू के साथ जो उन्होंने जो उनका जो प्यार रहा है उसे देख कर, हमेशा जब भी नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे आता है वो यहाँ पे बहुत भारी संख्या में अपने पारंपरिक वेशभूषा में और वाद्य यंत्रों के साथ इस घाटी में जो अभी, हालांकि आज के दिन में बहुत सारा काम फसलों का गांव में चल रहा है, शहरों के लोग भी व्यस्त है, टूरिज्म का सीजन है, उसके बावजूद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रैली होने जा रही है ये आज तक की सबसे भारी भीड़ जो देखने को मिलेगी वो इस रैली को देखने में मिलेगी। रैली की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कुल्लू सीमा से लेकर मनाली तक रात में गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जो कांग्रेस कमेटी द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जा रही है उसके लिए सुरक्षा की पूर्ण तैयारियां कर ली गई है और जो बजौरा चेक पोस्ट और जो सीमा है उस पर चेकिंग शुरू कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से जो उनको थ्रेट परसेप्शंस हैं तो उसके नाते पूरा कार्य देखा जा रहा है और एसपीजी की जो एडवांस लाइजनिंग टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है। हमने पूरा जो इसका स्टेराइल एरिया बनाने के लिए पूरी कोशिश कर दी है, प्लेन क्लोथ्स ड्यूटीज भी सारी लग चुकी है। और इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश का मतदाता सबको गौर से सुनता है। लोगों की माने तो चाहे सेना का मुद्दा हो या पर्यटन का, हिमाचल के उद्योगों का मुद्दा हो या पर्यावरण का, या फिर आत्मनिर्भरता को पालने का मुद्दा, जो विकास के पथ पर मेलों चलने के बावजूद हिमाचल के हिस्से में नहीं आ पाता। लखमान का बड़ा अगर नेता आता है, अगर कोई आदमी, अगर कोई कार्यकारिणी का सदस्य बड़ा आता तो वो उस विकास को रोक लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसी कि आने से अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ऐसी है ना जी कि यहाँ देखो एक लेडीज का, एक औरत का, महिला का जो मुकाबला एक मर्द से, आदमी से हो रहा है, तो यहाँ तो हमारे बहुत अच्छा कि अगर सोनिया जी आते हैं तो औरतों में और भी उत्साह बढ़ेगा और सहयोग देंगे, और क्योंकि औरत ही एक औरत के विचारों से सहमत होती है और होगी। हमारे बड़े बड़े कलकत्ता जो है, वेस्ट बंगाल है, कहीं भी साउथ में जाए, चाहे जिस बड़े बड़े शहरों में जाए, वहाँ पर तो सब सुविधाएं हैं लोगों को, लेकिन इंटीरियर में आज भी वही 1947 से पहले वाला स्थिति है। कई जगह पानी नहीं है पीने को, कई जगह सड़कें नहीं है, कई जगह बिजली नहीं है, कई जगह शिक्षा का स्तर कुछ नहीं है, कई जगह जो शिक्षा के लिए स्कूलें खुलनी चाहिए वहाँ स्कूल ही नहीं है। बहरहाल प्रदेश में 7 मई को चुनाव है, ऐसे में देखना होगा कि पहले वीरवार को हुई राहुल की रैली और अब 4 मई को सोनिया गांधी की रैली कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा सकती है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।